चार शक्तियां हमारे सनातन में हमारी प्रोटेक्शन करती है। जो लोग कहते हैं ना सनातन में क्या शक्ति है, उनको बताना पहली शक्ति कुल देवता। कुल देवता शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, सोनी बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, दिल्ली रहेगा, लंदन रहेगा, क्या काम करेगा, इष्ट देवता निर्धारित करते। तीसरी शक्ति माताएं बहने ध्यान देना, कुल देवी, बेटा देना है या बेटी देनी है, ये कुल देवी पे निर्भर करता है कब देनी है। जो डॉक्टर कहता हो 10 साल बाद भी आपके औलाद नहीं होगी, उस डॉक्टर से रिपोर्ट लेना और कुल देवी के चरणों में चढ़ा देना, बोलना मां ये दुनिया के वाले कहते हैं मेरा कुल नहीं बढ़ेगा, तू मेरी कुल देवी है, ऐसे कैसे हो सकता है, वादा है मेरा। रिपोर्ट फाड़ के फेंक दोगे और कुल देवी की कृपा होगी, साहब ये कुल देवी होती है। और चौथी शक्ति मेरे पितर जी महाराज, ऐसे नहीं पितरों के लिए दोनों हाथ उठेंगे, पितरों को नमन करेंगे ताली बजाकर, पितरों को मानते हो माना करो। सुबह सुबह दुकान खोलते हो ना, अपने बाप दादाओं को याद किया करो, उनके कारण ही हम हैं, वो ना होते तो हम होते क्या। हमारे पितरों ने 800 सालों तक मुगलों की गुलामी करी, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी। मुगल चाहते थे हम सब मुसलमान हो जाए, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाए। हमारे पितरों ने गुलामी सही, गरीबी सही, शहर छोड़ा, गली छोड़ी, पर ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ा साहब, जिस पर हम जीते हैं, जो गर्व है हमारा, गर्व से कहो हम। तो एक बार पितरों के लिए दोनों हाथ उठे जिनके कारण हम हैं, ये मुफ्त में नहीं मिला हिंदू धर्म, बलिदान दिए गए। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, आज हर इंसान ये सोचता है मुझे पितृ दोष है। गुरुजी हर किसी ने बिना ज्ञान के दुकान खोल रखी है, क्या करें। किसी के पास चले जाओ 2 मिनट में बता देगा तुम्हें तकलीफ क्या है, ओहो तुम्हें तो पितृ दोष है, बस सीधा सा फंडा। उसको पूछना चल माना मुझे पितृ दोष है, पितृ दोष बताया किसने, पितृ तो बताएंगे या कोई और बताएगा, या कोई और बताएगा। दादा हमारा, परदादा हमारा, सेवा हमने करी, वो हमें नहीं बता के जाता, पड़ोसी को बता के चला जाता है, ये कैसे हो सकता है। पितर हमारे हैं, मेरी माताएं बहने आप अपने घर में पता करो आपके पितर क्या खाते थे। अगर तोरी की सब्जी खाते थे ना, तो उनकी तस्वीर के आगे तोरी की सब्जी लेकर खड़े हो जाना कि पितरों राजी हो जाओ, हमारे को क्षमा कर दो, तब भी वो राजी हो जाएंगे साहब। वो पराए नहीं है, हमारे अपने हैं। और इस पंडाल में जितने भक्त आ गए हैं, आपका पितृ दोष खत्म हो चुका है। कैसे हो चुका है, स्वर्ग एक है कि दो है, एक है, सिंभावली दो है कि एक है। इस समय आपके दादा परदादा भी स्वर्ग में बैठे और मेरे दादा परदादा भी स्वर्ग में बैठे। पितृ दोष क्या है, पितरों की नाराजगी, और पितृ राजी तो पितृ दोष खत्म है ना। तो वो भी स्वर्ग में बैठे हैं, मेरे वाले भी स्वर्ग में बैठे हैं, आपस में क्या बात कर रहे होंगे, वाह भाई वाह, आज तो सिंभावली में मजा आ गया, मेरा पोता भी भगवाधारी और तेरा पोता भी भगवाधारी है, दोनों हाथ उठाकर गाना। तो सिल्ली सिल्ली अभी एक बार।